प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाजिर है। साथियों, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसे जहांदीदा लोगों से करवाऊँ जिन्होंने इस धरती पर रहकर अपना नाम सिर्फ कमाया ही नहीं बल्कि अपनी इल्म के तहत उन्होंने इस इल्म को बांटा भी है। आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम है इमरान गाजी। ये 5 दफ़ा मुल्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं, उनका नाम है यूनुस गाजी। मैं कह सकता हूँ चूँकि मुझे 45 साल हो गए हैं इस टैक्स के शोबे में, कुछ 38 ईयर्स मैं टैक्स डिपार्टमेंट में रहा तो 8 साल मुझे हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने इनके फादर को चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा उस वक्त जब मुल्तान में 1 या 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, और अब ऐसा ज़माना आ गया है कि जब तक आप टैक्स कैलकुलेशन को एक आला पाए के अकाउंटेंट के तौर पर उसको नहीं लेते, आप किसी टैक्स गुजार के लिए एक अच्छा ज़्यादा राह नहीं बना सकते। मैं इन नौजवान इमरान गाजी की तारीफ में ये भी कहना चाहूँगा कि ही इज़ दी पर्सन जिसने इस महकमे को आगाह किया है कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं और उसके जो कंसल्टेंट्स हैं उनको क्या काम करना चाहिए ताकि उनके टैक्स सुधार उनके लिए एक क्लाइंट का काम तो करते ही करते हैं लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मुईशत को बढ़ाने के लिए उनका भी एक अहम किरदार होना चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूं इमरान गाजी साहब को। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने सपहर को मैंने आपको दावत दी और आपने मेरी दावत को कबूल करते हुए फौरन हमी भर ली और मैं आपको पहली दफ़ा अपने दफ्तर में, 8 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो गाजी साहब का बहुत शुक्रिया कि आज हमारे दफ्तर तशरीफ लाए। और मैं ये भी कहता चलूँ कि ही इज़ दी ओनली पर्सन जो इस टैक्स बार के जो वकला में से है एक ऐसा वकील है जिसको मैं ना सिर्फ हाई कोर्ट में देखता हूँ, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में देखता हूँ, कमिश्नर अपील के पास देखता हूँ और जूनियर ऑफिसर्स के पास भी किसी न किसी केस के सिलसिले में इनको मसरूफ काम करता पाया करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इनकी यही लियाकत है कि अपने क्लाइंट की बेहतरी के लिए ये हर जगह मौजूद होते हैं और जो कुछ इलम इन्होंने हमारे दोस्तों के लिए और हमारे टैक्स बार के मेंबर्स के लिए किया है, यही वजह है कि इनका नाम पूरे पाकिस्तान में एक ताबिंदा नाम समझा जाता है। और मैं चाहूँगा कि आज इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसे एसआरओ के बारे में हम डिस्कस करें जो कि आजकल लोगों के लिए एक अहम दर्द सर बना हुआ है। दर्द सर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को इसकी नो हाउ नहीं है वो समझते हैं कि ये खासा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए हमें कभी ना कभी इस सिलसिले में इस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। ये एक एसआरओ 22 मार्च 2024 को ये जारी हुआ था, इसको SRO 428/1/2024 कहते हैं। और अगरचे जिस SRO का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में है, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस के बारे में है जिसमें तमाम बिजनेसेस वो इंटीग्रेट होंगे। अगरचे इससे किसी को टैक्स में क्रेडिट तो मिल सकता है, इसकी उसको ये टैक्स इस पर नहीं लगेगा, यानी ये लगवाने पर उसको टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगी ताकि उसको FBR को भी पता हो कि साल के बाद इस टैक्स गुजार ने क्या कमाया है और उस शॉपकीपर को और उस कंसल्टेंट को, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे स्कूल है, चाहे कोई इदारा है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, पता चलेगा कि उसकी कितनी आमदन हुई और उससे तखमीना लगाने में बहुत आसानी रह गई। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अब ये दौर नहीं है कि किताबें रखी जाएँ और किताबें देखी जाएँ और फिर उसमें से नुक्स निकाले जाएं। मैं समझता हूं कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाते हुए ये इंटीग्रेशन का सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था। 243A एक सेक्शन है सेल टैक्स का जिसमें ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, अब ये इनकम टैक्स में आ गया है। अगरचे ये 2020 में एक SRO जारी हुआ था जिसमें इंटीग्रेशन के बारे में कहा गया, लेकिन चूँकि उसके उस वक्त इसके रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं हुए थे, अब चूंकि इसके प्रिस्क्राइब रूल्स हो चुके हैं तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। तो मैं अपनी बात को मुखर करते हुए कोशिश करूंगा कि आइंदा अगले 15-20 मिनट में मैं इमरान गाजी साहब से पूछूं कि ये बताइए कि ये जो इंटीग्रेशन
इनकम टैक्स में पहली दफा आई है, ये क्या है और किन किन लोगों पर ये लाजम है? जी भाई साहब जी, मोहम्मद अकरम खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आप हमारे आइडियल भी रहे हैं और मैं अपना आइडियल आपको ही समझता हूँ कि आपने जब सर्विस की तो सर्विस के दौरान, क्योंकि ये जो आज इंटीग्रेशन का काम हो रहा है, ये आज से माजी में 10-12-15 साल पहले B2B यूनिट बनाकर पाकिस्तान में इसका सिलसिला शुरू किया गया था। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में सर हमने आपको देखा था जो मुतहरिक थे। और अब भी अगर FBR आप जैसे ऑफिसरान से, क्योंकि महरूम हो चुका है और अभी जो नए अफसरान आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि वो इस SRO को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके लिए तो अब रही है कि अगर FBR टैक्स पेयर्स की इंटीग्रेशन कर रहा है तो आप अपने ऑफिसरों को भी चेक एंड बैलेंस करें। वो फसल में ऑफिसर बैठे हैं वो आते ही नहीं हैं दफ्तरों में, इन कैमराज होना चाहिए, बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए और उस अटेंडेंस को पब्लिक करना चाहिए, ताकि ये SRO दे देने से, देखें हमें भी FBR की इस्तेदाद है, कार्ड का पता है। आप जैसे अफसरान जब थे, हमें एतमाद था कि मुल्क में बेहतरी आएगी, मुल्क कुछ चलेगा, आपने काम भी किया है, लेकिन इस वक्त इस्तेदाद कार्ड नहीं है। नहीं भाई साहब चलें, ये आपका बड़ा अच्छा मेरे लिए एक कमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर दौर में अच्छे ऑफिसर्स होते हैं जो ये काम चला लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये SRO जो लाया गया है, FBR ने इसको इंट्रोड्यूस किया है मार्च 2024 में, तो ये इसके बताइए कौन से ऐसे टैक्स गुजार हैं जो इसमें फाल करते हैं और उनकी क्या लिमिट्स हैं कि किस लिमिट के तहत वो आएंगे? अच्छा खान साहब, पहले तो थोड़ा सा ना हम इसका माजी देख लें। रे 2024 में नहीं आया, बल्कि रे SRO ये 77979/2020 का जी, और ये 26 अगस्त 2020 को आया है। बिल्कुल आपको हिस्ट्री का पता है, लेकिन अब 428 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके FBR इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है जी। तो 4 साल से अगर कोई काम नहीं हुआ तो FBR अब उसको मॉडिफाई करके क्या मीन्स के, मैंने FBR की कारदगी पर कोई नहीं बात की, लेकिन आपको मैंने अप्रिशिएट किया है कि अगर आप मौजूद होते BTP पर और अगर SRO 4 साल पहले अगर आपकी मौजूदगी में आया होता तो शायद ये तो ये SRO 428 से आता 779 ही कामयाब हो जाता। जी सही बात। तो चलें कोई बात, इंशाल्लाह ये हमारे ऑफिसर्स करेंगे जी। तो पहले बताऊँ कौन से 14 सेक्टर हैं जिन पर ये लागू किया गया है? जी सर, इसमें पहले तो ऐसा था कि जब आया था 2020 में 8 शहरों के लिए अप्लाई हुआ था, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला, इसमें PVT कंपनियों के अलावा बाकी जो कंपनियां थी उनके लिए एप्लीकेबल था। PVT पूरे पाकिस्तान के लिए और जो सेक्टर थे उसके लिए अब उन्होंने 428 में जो इजाफा किया है और थोड़ा सा इसमें तफसील दी है, वो रेस्टोरेंट, होटल्स, इंटरसिटी ट्रैवल बाई रोड, कोरियर सर्विसेज, और इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई पर्सनल केयर, ब्यूटी पार्लर्स, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में सारे आ जाते हैं, डेंटिस्ट भी आ जाते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं, कंसल्टेंट भी आ जाते हैं, और एक्सरे, CT स्कैन, सीटी स्कैन, वो पैथोलॉजी लेबोरेटरी भी आ जाती हैं, फिर हेल्थ क्लब्स, जिम्स, फिजिकल फिटनेस, ये सब आ जाएंगे, और उसके बाद क्लब्स आपके कैसे चुनाव क्लब जिम खाना है, अच्छा जिम खाने भी आएंगे और ये रेस्टोरेंट्स भी आ जाएंगे, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स, अकाउंटेंट्स जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, और उसके बाद आपके रिटेलर्स, और रिटेलर के बाद फॉरेन एक्सचेंज डीलर, एक्सचेंज कंपनीज और स्कूल कॉलेजेस। स्कूल कॉलेज क्योंकि आपका मैं क्रेडिट है, आपने पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को लिया था, नोटिस जारी किए थे जब आप PTB के ऑफिसर थे जी। तो उस वक्त बड़ा रिसिस्टेंस आपने फेस की थी और मुझे भी मालूम याद है कि उस वक्त टैक्स पेयर्स अपना रिकॉर्ड देने को तैयार ही नहीं थे जी। तो अब FBR अच्छा एक कदम लिया उन्होंने, इस 428 को अप्लीकेबल करे, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से FBR ने कह दिया है कि अब रे तमाम जो एग्जम्पशन में नहीं आते, जो छोटे पैमाने में काम कर रहे हैं उनके अलावा जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, जो तो वो तमाम की तमाम कैटेगरीज अगर अपने आपको पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर नहीं कराते तो फिर उनके लिए जुर्माने भी हैं। जुर्माना कितना है? अगर रजिस्टर ना कराने का 10 लाख रुपए जुर्माना है, और अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसमें कोई मैनिपुलेशन करते हैं, इनवॉइस पॉइंट ऑफ सेल के जरिए जारी नहीं करते तो फिर उसके बाद आपको ये 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम जुर्माना, फिर आगे उसकी सीलिंग भी है मेरे ख्याल आपकी शॉप की या प्रेमिसेस की, वो उसके बाद फिर 2 महीने में अगर आप वो काम पूरा नहीं करते उसके बाद आपकी दुकान को सीज भी किया जा सकता है। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर ये पॉइंट ऑफ सेल 2020 से अप्लीकेबल है, 21
सेक्शन है हमारा डिडक्शन नॉट अलाउड, इसमें सब सेक्शन जो आर है वो 80% तक आपके जो जितने भी एक्सपेंसिस है वो क्लियर करता है जी के पॉइंट ऑफ सेल ना लगाने वाले को हम खर्चे डिसअलाउ कर देंगे, यानी उसके जो खर्चे वो मांगेगा अपने प्रोडक्ट अकाउंट में वो एडबैक हो जाएंगे या उनको नहीं माना जाएगा जी। अगर ऑडिट में केस आते हैं अब क्योंकि SRO तो 2020 से मौजूद है जी जी, तो ऑफिसर चाहे तो इन कैटेगरीज के केसेस को अब भी आज भी इनको डिसअलाउ कर सकते हैं जी। तो अभी उन्होंने हुकूमत की तरफ से पॉलिसी नहीं है कि ज़रा सख्ती की जाए, अभी एक आगाही मुहिम चलाई जा रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस काम के लिए आपने, ताकि हमारे बहुत ही वसी तौर पर ना अब अगर पहले 4-5 महीने 6 महीने तो हुकूमत देखेगी कि आगाही मुहिम में इसका रिजल्ट आ जाए, नहीं आएगा तो अभी सख्ती की तरफ जाएंगे और अवेयरनेस है वो आपने बहुत अच्छा कदम लिया कि अवेयरनेस के लिए आज आपने भी लोग। वैसे मैं ये चाह रहा था कि चूँकि हमारे साउथ पंजाब में लोगों को आगाही के लिए कुछ सेमिनार्स नहीं हो रहे और मैंने फिर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आज हम कुछ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि कल किसी को अगर कोई परेशानी हो तो कम अज़ कम हम उसको अवेयर कर सकें। अगरचे एक टैक्स कंसल्टेंट का काम तो ये है कि वो एक अंडर दी लॉ अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करे, हमारा काम है उसके टैक्स मैनेजमेंट करना, हमारा काम उसको अवीजन की तरफ लेके जाना नहीं है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो टैक्स गुजार हैं इनकी तरफ से अभी तक क्या रिएक्शन आया है? जी सर, 2020 से कानून आया था, अभी तक FBR की तरफ से पूछा नहीं गया जी। और हमारे टैक्स गुजारान जो पाकिस्तान में जो खास तौर पर चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज़ हैं, जब तक के इनको सख्ती ना की जाए, जैसे SRO 350 2 महीने इम्प्लीमेंट रहा लेकिन 3rd महीने जब नॉन एक्टिव हुए तो फिर लोग बाहर आए, लेटर्स लिखे गए ट्रेड बॉडीज़ की तरफ से, FBR में लेटर लिखे गए, तो 4 साल से अभी तक इस कानून पर बिल्कुल खामोशी है। जब कोई नोटिस जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा तो हो सकता है कि ट्रेड बॉडीज़ इसको रिसेस करें जी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जी के पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाए, रियल टैक्स है वो जमा हो। हमारी तरफ से तो तजवीज़ इसको हम अप्रिशिएट करते हैं टैक्स बार्स के लिए, तो हमने तो इम्प्लीमेंट करवाना है और अपने अपने जो टैक्स चैम्बर्स हैं ट्रेडर्स हैं इनके लिए हमने सहूलत पैदा करनी है कि वो हमारे पास आए, कानूनी मशवरा करें और हम उनको इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाएँ। वैसे आप ये बताइए कि ये जो इसकी कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि अब स्कूल के जो स्कूलों के मालकान हैं वो परेशान हैं कि जी हम तो इतने हमारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, किस तरह इनको मैं मॉनिटर करें और कैसे उसको इंटेग्रेट करके उनका पूरा रिकॉर्ड रखें, तो उसकी कोई लिमिट रखी है गवर्नमेंट ने या चाहे वो 1 रुपये फ़ीस है चाहे 100 रुपये फ़ीस है? जी, इसमें जो शेड्यूल जारी किया है और जिस शेड्यूल में 14 क्लासेस डाली गई हैं टाइप्स ऑफ पर्सन है, इसमें जो स्कूल आता है वो 14 नंबर सीरियल पर है और उसके लिए 1000 रुपये की लिमिट है। ये 1000 से ऊपर जितने बच्चे हैं, 1000 फीस जो पर स्कूल चार्ज कर रहा है वो इंटीग्रेट अपने आप को लाजमी कराएगा, उसके लिए लाजमी होगा। और इसी तरह बाकी जो हैं, अच्छा ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये क्या एयर कंडीशन होने चाहिए जी, या ये नॉन एयर कंडीशन के लिए नहीं है? इसी तरह जो बसें हैं उनके लिए भी नॉन एयर कंडीशन बसें हैं तो उनके लिए इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन बाकी जो एसी हैं होटल्स और बसेस ट्रैवल करा रहे हैं ये इनको एसी होना ज़रूरी है। अच्छा एसी होना ज़रूरी। अच्छा इसके अलावा वो फोटोग्राफर्स के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने 50,000 की लिमिट रखी है कि वो साल में अगर इवेंट करते हैं तो वो उनके लिए शायद कुछ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर तो उनके इवेंट की फ़ीस 50,000 से कम है जी, तो फिर तो उनको अजम्पशन है जी। अगर वो 50,000 से ज़्यादा इवेंट के चार्जेस वसूल कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट से, एक क्लाइंट से अगर किसी वक्त भी उन्होंने एक क्लाइंट से 50,000 से ऊपर चार्ज किया है हाँ। तो बेसिकली उनका एक पैकेज होता है जी जी जी, ऐसा ही है। जो पैकेज वेडिंग पे करते हैं वेडिंग, या जी, जो, जी, जो, जी, जी। तो वो पैकेज अगर 50,000 से ऊपर का तो वो आप खुद को इंटीग्रेट कराएंगे, अदरवाइज फोटोग्राफर के लिए इंटीग्रेशन ये महल्ले में दुकानदारों के लिए इनके लिए लाजमी नहीं है। अच्छा वैसे ये बताइए कि ये जो पैथोलॉजी लेबॉरेटरीज हैं और ये जो हमारे डॉक्टर्स हजरात रहते हैं या डेंटिस्ट हैं या आजकल मुख्तलिफ लेजर्स टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो उसमें कितने पैसे की लिमिट है कि डॉक्टर की फीस कितनी हो? तो उसमें सर अब 500 रुपये की लिमिट लगाई है कि 500 से नीचे की इंटीग्रेशन नहीं करेंगे डॉक्टर्स, उसके ऊपर जितने भी डॉक्टर्स हैं जो 500 से ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं जैसे स्पेशलाइज्ड हैं जी जी, वो 5,000 फीस भी चार्ज कर रहे हैं तो उनके लिए इंटीग्रेशन लाजमी है। इमरान गाजी आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें कीमती टाइम दिया और मेरे ख्याल में हमने एक थोड़े वक्त में अपने नाज़रीन के लिए और अपने टैक्स
क्लाइंट्स के लिए और हमारे जो कुलीग्स हैं उनके लिए एक हमने एक मुख्तसर सा पैकेज तैयार किया ताकि लोगों को इस नई एसआरओ के बारे में आगाही हासिल हो। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।